पटना में आज जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के स्वागत के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई। कार्यकर्ताओं ने मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा तो नेताजी को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रहा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। ललन सिंह के स्वागत में एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय तक पटना की सड़कों को पोस्टर बैनर और होर्डिंग से पाट दिया गया था। हवाई अड्डे पर बैंड बाजे बज रहे थे, फूलों के हार का अंबार लगा था। एयरपोर्ट से खुली गाड़ी से ललन सिंह पटना के शेखपुरा, राजवंशी नगर और इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे। कारों का काफिला इतना लंबा था कि दूसरी गाड़ियां नजर ही नहीं आ रही थी। ऐसा लगा मानो जेडीयू ने पटना की सड़कों पर कब्जा जमा लिया। इस दौरान किसी भी कार्यकर्ता के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग तो पहले ही हवा हो चुकी थी। बिहार में अनलॉक 5 के तहत अभी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक है, शादी विवाह में बैंड बाजे पर रोक है, लेकिन जेडीयू अध्यक्ष के स्वागत में कोरोना प्रोटोकॉल बेमानी बन गया। को नहीं लगता कि आज कोरोना प्रोटोकॉल का एकदम उल्लंघन किया गया, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई गई। निश्चित तौर पर देख कार्यकर्ता को रोक नहीं पा रहे। मंच पर देखिए सब लोग को मिलना था, जिस तरह से मंच पर अफरा तफरी था कोई किसी का सुन नहीं रहा था। मतलब अजीब सा उत्साह दिखा, उसका एक नमूना है। नहीं, नहीं अभी जस्ट अभी तो मास्क तो हाथ ही में रखे हुए हैं, लेकिन कहां कहीं नहीं मास्क दिखाई दे रहा। मास्क सब जगह दिखाई दे रहा है। इतना प्रचंड गर्मी था कि थोड़ा बहुत एक आध मिनट के लिए तो हटाना जरूरी है ना। कोरोना तो खत्म हो गया, कहां कोरोना है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहां देखने को मिल रहा है। कोरोना खत्म है बिहार का। जेडीयू कार्यालय में भी ललन सिंह का भव्य स्वागत हुआ। बारी बारी से नेता और कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष महोदय को गुलदस्ता दिया, फूलों की माला पहनाई। ललन सिंह ने भी अपने संबोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, साथ ही सीएम नीतीश कुमार के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। नेताजी के स्वागत में किसी को कोई आपत्ति नहीं, कार्यकर्ताओं के उत्साह से भी किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन ललन सिंह के स्वागत का मंजर देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना से जुड़ी पाबंदियां सिर्फ आम जनता पर ही लागू होती हैं। बिहार में अभी भी कोरोना को लेकर अनलॉक 5 की स्थिति बनी हुई है, यानी किसी भी पब्लिक प्लेस पर कोई भी कार्यक्रम आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से पटना पहुंचे, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। किसी भी कार्यकर्ता के चेहरे पर मास्क नहीं था और सोशल डिस्टेंस कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।